एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना 10 लाख रुपए का जमी चेक। जोर का कार्य लगातार प्रदेश सरकार लोगों को सशक्त बनाने में लगी हुई है। श्री आर्यमन जायसवाल मुख्यमंत्री युवा स्वराज रोजगार योजना 10 लाख रुपए का जमी चेक। श्रीमती लक्ष्मी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 23 लाख रुपए का जमी चेक। सुश्री रंजीता भारती विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना टूल किट दर्जी डेढ़ का। श्रीमती नीलमणि यादव विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना टूल किट दर्जी डेढ़। श्रीमती ज्योति मृत्यु विकलांगता सहायता अक्षमता पेंशन योजना MIS बॉन्ड 5 लाख रुपए। और चरका देवी सचिव सुधीर देवी स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन CDL डेमो चेक। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब संबोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय अजीत कुमार सिंह अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश एवं प्रबंधक सचिव PG कॉलेज गाजीपुर। हमारे मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, माननीय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय विधान परिषद गाजीपुर विशाल चंदन जी, माननीय पूर्व विधायिका पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संगीता धवन जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत गाजीपुर, माननीय अध्यक्ष नगर पंचायत गाजीपुर, डीवी कॉलेज एसोसिएशन के सभी माननीय सदस्यगण, जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक प्रशासनिक राजनीतिक दलों के सभी सम्मानित नेता कार्यकर्ता भाजपा के अध्यक्ष जी, बंधुगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय आदर्श नगर कॉलेज महिला महाविद्यालय ग्रामीण ग्राम संचाय में शिक्षक छात्र ग्राम संचर कराये हुए सभी माता एवं बंधु। यह स्वाभाविक था कि परमेश्वर भक्त सामाजिक उत्थान के लिए शिक्षा का आधार मानकर अनेक शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने वाले पूज्य बड़े महाराज युग पुरुष ब्रह्मयुग महंत त्रिवेदनाथ जी को लाही महाशय की परम्परा से विकसित सेवा की साधना मूल मत के साथ कार्य करने वाले बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी अपने आपको अपने आशीर्वाद के लिए पात्र लगे। गाजीपुर जैसे भावग्रंथ जनपद में अपनी सूझबूझ से बिना बाहरी सहयोग के शिक्षण तथा सेवा संस्थाओं की स्थापना सुचारू ढंग के संचालन के साथ समर्पण एक निश्चितता के कारण खुद बड़े महाराज त्रिपुरनाथ जी एवं राष्ट्र मलिन योगी अवैधनाथ जी राजेश्वर भाव को प्रोत्साहित करते थे। यह हमारा सौभाग्य है। साथ ही पूर्व के जन्मों के दूसरे पिता फल भी है। आज ही हमारे वर्तमान पिता ईश्वर की कृपा एवं आशीर्वाद का संबल प्राप्त है। पूज्य महाराज जी कहा जाता है कि बिल्कुल अर्थात इंटरप्राइज एजुकेशन एथिक सामाजिक प्रवृत्ति के आधार है। आर्थिक गतिविधियों के साथ शिक्षा सदाचार के समन्वय से ही सामाजिक समृद्ध आ सकती है। आपके प्रयास इन्हीं सूत्रों को लेकर चल रहे हैं। पूज्य महाराज जी शास्त्रों में नागरिक के दस्तक 5 सामाजिक 5 आध्यात्मिक बताए गए हैं। आप सामाजिक और आध्यात्मिक प्रत्यक्षों के बीच समन्वय के बुद्धिमान स्वरूप है। आपने अपनी सामाजिक सहयोगता समर्पण एक निष्ठा कठोर अनुसार संध्याता वास्तव में जनजागरण की भावना को राज्य शिखर में पहुंचाने के लिए समर्पित कर दिया है। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है क्योंकि आप जैसा मुख्यमंत्री मिला। पूज्य महाराज जी आपके जनहित एवं राजनीति के प्रति समर्पण को लेकर मुख्यता स्मरण हो जाता है कि शासक को अपनी प्रजा को उसी तरह से प्यार करना चाहिए जिस प्रकार राय अपनी प्रचार से प्यार करती है। हमें गर्व है कि आदर्श न्याय के शासक के जो प्रतिमान बताए गए हैं आप सभी पूरी तरह से प्राप्त होते हैं। आपकी जीवनी कार्य शैली को भारत देने बल्कि संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृति के रूप के रूप में प्रसन्नता भरी दृष्टि देख रहा है। आपकी कार्य शैली अनुकरणीय है। अंत में आपकी महत्व कृपा के लिए महाविद्यालय परिषद यहाँ उपस्थित समुदाय सब जनवासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमें विश्वास है कि महाविद्यालय के संस्थापक की मूर्ति का अनावरण करने की आपकी महत्व कृपा हम सबको समाज की रक्षा करने का प्रेरणा देगी। माननीय आगे पर बहुत बहुत आभार। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब संबोधन के लिए हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं श्री विशाल सिंह चक्र जी, माननीय सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश। इस ऐतिहासिक विद्यालय के प्रांगण में हम सब एक बार जयघोष सब मिलकर करते हैं। मेरे साथ सब हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की। इस ऐतिहासिक पीजी कॉलेज प्रांगण में गाजीपुर के पूर्वांचल के मालवी गए जाने वाले स्वर्गीय राजेश्वर सिंह जी के मूर्ति के अनावरण में हम लोग के परम श्रद्धे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनके साथ उपस्थित बलिया के लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र सिंह मस्जिद, सभी अजीत भैया और सभी मंत्रा सिंह पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष जी, क्योंकि समय ज्यादा मुझे नहीं मिला है तो दो मिनट में अपनी बात मुझे कहनी है, तो यहाँ बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के आसपास के नौजवान साथी भी आए हुए हैं, सभी बड़े बुजुर्ग मीडिया के बंधु भी हैं। मैंने देखा है कि जब जब गाजीपुर में मुसीबत पड़ी है, हम लोग के महाराज जी हमेशा गाजीपुर का ध्यान लिए हैं। आपको याद होगा पिछली बार गहमर में बाढ़ आई थी, जिस दिन महाराज जी आए उसी दिन गंगा जी का पानी घटना कम हो गया था, और अभी अहमदाबाद में महाराज जी के पैर पड़े उसी दिन से गंगा जी ने आशीर्वाद दिया गाजीपुर वालों को। तो मैं महाराज जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ और पूरे गाजीपुर के नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों की तरफ से महाराज जी का अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं केवल इतना कहूंगा कि कभी गाजीपुर को वीरों की धरती के रूप में जाना जाता है और जाना जाता था, लेकिन बीच में गाजीपुर की स्थिति कुछ ऐसी हुई कि माफियाओं का ऐसा बोलबाला हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में गाजीपुर की बदनामी हुई। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज गाजीपुर में एक आदमी नहीं मिलता जो किसी गुंडे माफिया से कोई डर रहा हो। मैं महाराज जी को बताना चाहता हूँ, मुझे गाजीपुर लंका के पास एक व्यापारी मिल गए स्कूटी से घूमते हुए, मैंने कहा कि अब तुम्हें डर नहीं लगता, कोई उठा ले गया तो कहना कि अगर मुझे कोई उठा ले गया तो महाराज जी की पुलिस उसे कहाँ उठा ले जाएगी, आप सब जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी नौजवान साथियों को धन्यवाद देता हूँ और महाराज जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब अत्यंत आदर के साथ संबोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री वीरेंद्र सिंह मस्जी, माननीय सांसद लोकसभा बलिया गाजीपुर। इस समारोह के अध्यक्ष जी, इस समारोह के मुख्य अतिथि पूज्य महाराज जी, विधान परिषद के सदस्य संजय जी, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ नेतृत्वगण और समारोह में उपस्थित देवियों के साथ, ऐसे ऐतिहासिक क्षण में गाजीपुर के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को स्वागत कर रहे हैं, जब देश की 75वीं स्वाधीनता का दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाए। आज राजेश्वर बाबू की मूर्ति का अनावरण पूज्य महाराज जी ने किया है। राजेश्वर बाबू गाजीपुर के मालवी के नाम से जाने जाते हैं। मैं पूज्य महाराज जी को स्वागत करता हूं कि आपने इस स्वाधीनता के 75वीं वर्षगांठ पर राजेश्वर बाबू के मूर्ति का अनावरण करके गाजीपुर के धरती पर सम्मान बढ़ाया है और गाजीपुर के लोगों का सम्मान बढ़ाया है। अध्यक्ष जी, महाराज जी इस परंपरा के पथिक हैं, वह परंपरा इस राष्ट्र के स्वाभिमान की लड़ाई में हमेशा आगे रही, उस परंपरा के ही महान संत गोपालनाथ जी थे
जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई की पहला भी मुल्क था, ये गाजीपुर की धरती उससे प्रेरणा लेती और उसी से प्रेरणा लेकर यहाँ के लोगों ने देश को आजादी के लिए बलिदान दिया था। आप उसी परंपरा के प्रति आपका स्वागत गाजीपुर के इस अपने लोकसभा क्षेत्र में महाराज जी आपको करता हूँ। महाराज जी आप जिस परंपरा के प्रतीक है वह समाज कल्याण की परंपरा है, वह राष्ट्र का राष्ट्र भक्ति की परंपरा। अभी एक सप्ताह 10 दिन में आपने गाजीपुर में दूसरा बार आक्रमण करके गाजीपुर के लोगों का सम्मान बढ़ाया। मैं आपको इसलिए भी स्वागत करता हूँ। मुझे महाराज जी मैं एक निवेदन करता हुआ आपका अनुरोध करता हुआ अपनी बात पूरी करूंगा। बाढ़ के क्षेत्र में आपने लोगों को बहुत ही मदद किया, बाढ़ पीड़ित सूखा पीड़ित क्षेत्र में लोगों को किसानों को, ये कृषि और ऋषि की भारत की भूमि है, उस परंपरा के आप संवाहक। अभी कुछ दिनों पहले जब जिस दिन आए थे उसके उसी दिन अकाटा में कुछ लोगों को बड़ दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, आपके ही निर्देशन में यहाँ के प्रशासन ने उनको पूरी तरह योगदान दिया, सहायता किया और मैं इसके प्रशासन को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। अकाटा के लोग देवतीपुर के लोग यहाँ उपस्थित होंगे, मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि दुर्घटना तो दैवीय आपदा है, दुर्घटना को हम नहीं रोक सकते थे, लेकिन आपसे मैं वचन देता हूँ कि अब दुर्घटना के लिए जिस पुल को बनाया जाना है जो लोग उस दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके स्मृति में मैं पुल बनवाकर वहां के दुर्घटना को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का महाराज जी के सामने मैं वचन देता हूँ और प्रशासन के लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप तुरंत सर्वे करके वहां के पुल निर्माण की योजना को आगे बढ़ाइए। और मैं उसके लिए महाराज जी भी दुखी हैं, अभी बात भी कर रहे थे, प्रशासन के द्वारा जितना भी योगदान हुआ है आगे भी जो आप लोग कहेंगे करेंगे और महाराज जी को राजेश्वर बाबू के इस मूर्ति अनावरण पर जो गाजीपुर के मालवी होते थे मैं स्वागत करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब आपकी तालियों के माध्यम से हम चयन ऋषि की धरती, महर्षि गौतम की धरती, रणबांकुरों की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन जो एक नई इबारत दिख रहा है, हम आपके आशीर्वचन के लिए आकांक्षी हैं। एक बार जोरदार तालियां संत तपस्वी प्रदेश के मुखिया हमारे गौरव माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर के प्रांगण में बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद माननीय श्री बीरेंद्र सिंह मस्त जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री विशाल सिंह चंचल जी, महाविद्यालय के प्रबंधक और उत्तर प्रदेश शासन के अपर महाधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सपना सिंह जी, नगर पालिका परिषद गाजीपुर के अध्यक्ष श्रीमती सरिता अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रभुनाथ चौहान जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्रीमती संगीता बलवंत जी, श्रीमती अलका राय जी, श्रीमती सुनीता सिंह जी,
श्री सुभाष फासी जी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, श्री एसपी सिंह जी महाविद्यालय प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारीगण, महाविद्यालय के प्राचार्य और अन्य सभी सम्मानित आचार्यगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी, अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मैं अभिभूत हूं कि इस गाजीपुर जनपद में शिक्षा की अलख जगाने वाले बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और महाविद्यालय परिवार को इसके लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी देश की आजादी के पूर्व उन्होंने यहां जन्म लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी स्नातक और लॉ की डिग्री लेने के बाद यहां पर अपनी नियमित प्रैक्टिस करना शुरू किया और जब देश प्रथम स्वतंत्र समर की शताब्दी महोत्सव आयोजित कर रहा था 1957 में गाजीपुर डिग्री कॉलेज की स्थापना की, जो आज पीजी कॉलेज के रूप में लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को उत्तम शिक्षा का एक केंद्र बनकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के लिए शिक्षा का एक स्तंभ बना हुआ है। बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी से हम लोगों के आत्मीय संबंध थे। ये संजोग ही है कि महाविद्यालय पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध था और जब गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना 1956-57 में हो रही थी तब गोरखपीठ ने अपने दो महाविद्यालय देकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ महाविद्यालय का जुड़ाव बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी का इस नाते गोरखपुर विश्वविद्यालय और गोरखपीठ के साथ जुड़ाव का जो क्रम चला उन्होंने आजीवन उसका निर्वहन किया। जीवन पर्यंत देश और दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में कहां क्या कुछ हो रहा है उसे वहां बड़ी सहजता के साथ पूरी तन्मयता के साथ रख करके गाजीपुर पीजी कॉलेज में ला करके उसे स्थापित करते थे और जब वे यहां स्थापित करते थे तब आगे गोरखपुर में हम लोगों को बताते थे कि मैंने अपने यहां ये कर लिया है, आप लोग भी इस मामले में थोड़ा कार्य कर लेंगे तो बच्चों को बड़ा लाभ हो जाएगा। यानी इतनी चैतन्यता, अद्भुत चैतन्यता थी, शिक्षा के प्रति जागरूकता, एक अभिनव प्रयास उन्होंने किया। उसका परिणाम है कि इस महाविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव कार्य किया और भाइयों बहनों यही विरासत के प्रति सच्चा सम्मान है। याद करिए जब हम गाजीपुर की बात करते हैं एक महापुरुष बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह हैं जिन्होंने अपनी विरासत का सम्मान करते हुए यहां के अतीत के साथ इस जनपद को जोड़ने का कार्य किया। अतीत इस गाजीपुर जनपद का कितना गौरवशाली है, जब महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षस भिन्न बाधाएं डालने लग गए थे तब रामचंद्रमानस के पंक्तियां आप सबको याद होगी कि आदि तनय मन चिंता व्यापी हर बिनु मरहि न निश्चर पापी।
यही सोचा था विश्वामित्र ने, और महर्षि विश्वामित्र के ही पूज्य पिता की राजधानी हुआ करती थी, उन्हीं की राजधानी का हिस्सा था ये गाजीपुर, जो आज गाजीपुर के रूप में हम सबके सामने है। भारत के इतिहास को बनाने वाला जनपद, भारत और आर्यावर्त से राक्षसों का समूल नाश करने का संकल्प लेने वाला जनपद, और इस गाजीपुर का जो संकल्प था, यहां जन्मे और जिन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में गाजीपुर को उस समय गाजीपुर के रूप में एक नई दिशा दी थी, महर्षि विश्वामित्र की परंपरा का एक जनपद, महर्षि विश्वामित्र ने होते तो क्या आर्यावर्त की दो ताकतें अयोध्या और जनकपुर क्या एक हो पाता? आप सब आप अनुमान करिए कि जनकपुर की सभा में तो अयोध्या को निमंत्रण ही नहीं था, सीता स्वयंवर में अयोध्या को निमंत्रण नहीं, वहां पर तो महर्षि विश्वामित्र माध्यम बने थे राम और लक्ष्मण को ले जाने के, और आर्यावर्त की दो ताकतों को जोड़ने का काम हुआ था, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र इस बात को जानते थे कि रावण के राक्षस और बक्सर तक अगर पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आर्यावर्त खतरे में है, और उस खतरे को सबसे पहली बार किसी ने पहचानने का प्रयास किया था वह नाम था महर्षि विश्वामित्र का। और भाइयों बहनों, राम राज्य की स्थापना का संगनाद किया था उस समय इन पूज्य ऋषि मुनियों ने, और उस परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है ये जनपद। हमने अपनी विरासत को विस्मृत क्या किया? याद करिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां मेडिकल कॉलेज दिया था तो हम लोगों ने उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी विरासत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए महर्षि विश्वामित्र राजकीय महाविद्यालय राजकीय मेडिकल कॉलेज, यहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने इसी रूप में दिया है। और यही नहीं, जब हमें बगल के जनपद आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाना था तो विश्वविद्यालय का नामकरण हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर किया है, क्योंकि महाराज सुहेलदेव आज से 1000 वर्ष पहले भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करने के लिए जो योगदान उन्होंने उस समय किया था वह विस्मरणीय है, और इसीलिए विरासत का सम्मान यही तो है देश की आजादी के अमृत महोत्सव का पंच प्राणों में से एक प्राण। अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें विरासत का सम्मान करना पड़ेगा, अपने पूर्वजों का सम्मान करना पड़ेगा, पूर्वजों की उस अमूल्य धरोहर को धरोहर के रूप में सजो करके उसे आगे बढ़ाने में किस रूप में योगदान देना है इसमें योगदान देना पड़ेगा, इसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के पूर्वक करना पड़ेगा। और उसी दिन से बीच के कालखंड में यहां की पहचान को धूमिल करने का प्रयास हुआ, गाजीपुर जनपद आजमगढ़ जैसे जनपद जिसमें तमाम क्षमता थी विस्तृत एक बहुत घनी विरासत हमारे पास थी, उनके सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। लेकिन उस पहचान के संकट के दौर में भी बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जैसे समाजसेवी थे जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की, शिक्षा के क्षेत्र में मिशन मोड में लिया, गाजीपुर में बार एसोसिएशन में किए गए उनके योगदान हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर अपनी विरासत के प्रति इससे अच्छी सम्मान नहीं हो सकता। आज जब मैंने उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ते हुए देखा है कितनी भव्य प्रतिमा बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी के आज महाविद्यालय प्रांगण में लगी है जो निरंतर प्रेरणा देगा। मैं मानता हूं विगत यानी 1957 से लेकर के अब तक इस महाविद्यालय ने अनेक विभूतियों को जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए एक मंच दिया,
अलग अलग फील्ड में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि वैज्ञानिक के रूप में, दुनिया के अंदर तकनीशियन के रूप में और जीवन के अलग समाज सेवी के रूप में अलग अलग फील्ड में काम करने वाले एक अनगिनत लोगों के एक लंबी फौज महाविद्यालय से गई है, आगे बढ़ी है और वह परंपरा इस बात को करती है कि हम अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर सके। यही भाव व्यक्त करने के लिए यही तो है हमारा सनातन धर्म, कृते च प्रति कर्तव्यम् एष धर्म सनातन। सनातन धर्म की परिभाषा बहुत एक पंक्ति की, अगर उसकी परिभाषा करनी हो तो उसके एक पंक्ति की परिभाषा यह है कि अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ये हमारा धर्म है और उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही महाविद्यालय प्रबंध समिति ने, महाविद्यालय परिवार ने बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना महाविद्यालय के प्रांगण में की है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम ऐसे महाविद्यालय होंगे जिनके पास इतनी प्रशस्त भूमि होगी और प्रशस्त भूमि के साथ साथ इस प्रकार के अच्छे संसाधन होंगे जहां प्रबंधन समिति बेहतर तरीके से महाविद्यालय के विकास के माध्यम से अपनी वर्तमान पीढ़ी के निर्माण के कार्य में पूरी तन्मयता के साथ तत्पर के कार्य कर रही है, एक सराहनीय और अभिनंदनीय प्रयास है। भाइयों बहनों, आज वर्तमान युग में हम जी रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के सामने कुछ लक्ष्य तय करने के लिए रखे हैं, उन्होंने पूरे देश को इस बारे में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पस्त थी तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने जीवन और जीविका को बचाने के साथ साथ अपने नौजवानों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी देश के सामने लागू की है। और भाइयों बहनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अभिनव प्रयोग की भूमि बन सकती है महाविद्यालय, जिसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि हमें व्यावहारिक और तकनीकी ज्ञान से सक्षम युवा देश और दुनिया में पहुंचाने हैं। और सौभाग्य से जब दुनिया की बात आती है तो भारत दुनिया के अंदर सबसे युवा देश है, सबसे युवा राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है और जब भारत की बात होती है उत्तर प्रदेश दुनिया प्रदेश का सबसे युवा राज्य के रूप में आता सामने आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 56% आबादी कामकाजी वर्ग की है। देश और दुनिया के लिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे पास सबसे अच्छा युवा है, जो युवा अपनी प्रतिभा ऊर्जा से पूरे देश को भी और पूरी दुनिया को आलोकित करने की क्षमता रखता है। और भाइयों बहनों, उसी युवा के लिए ही तो आज हम कार्य कर रहे हैं, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य हो, नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना का कार्य हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य हो, अभ्युदय योजना के माध्यम से हमारे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कहीं और न जाना पड़े, उन्हें फिजिकली भी और वर्चुअली भी ये सुविधा उनके जनपद में मिल सके, उनके कमिश्नरी में मिल सके, इसके लिए प्रशिक्षित और उस फील्ड से निकले हुए अधिकारी और कर्मचारियों की फौज आज उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। अभ्युदय कोचिंग इस दिशा में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर रही है। और यही नहीं, स्वामी विवेकानंद तकनीकी सक्षम योजना के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रदेश में वर्तमान में 15,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए हैं और अगले 5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे करके तकनीकी विश्व सक्षम बनाने के बड़े कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तय किया है विगत 5 वर्ष के अंदर आपका आशीर्वाद डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ,
प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान में 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद अपने कार्य योजना को आगे बढ़ाया। 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई। 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था के माध्यम से नए निवेश और परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या फिर विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं, पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंडअप की योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार और ऐसे ही 60,00,000 उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। अब एक बड़े कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। हम लोगों ने तय किया है कि अगले 5 वर्ष के अंदर हम एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के चलेंगे। कार्यक्रम जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई, कोई रोजगार नहीं मिल पाया, कोई स्वतः रोजगार नहीं है, उनकी मैपिंग की कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है और अगले 5 वर्ष के अंदर हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार के साथ जोड़ने के बड़े लक्ष्य के साथ आज सरकार कार्य कर रही है और इसके लिए मैं अपने युवाओं का आह्वान करूंगा। आज आधुनिक शिक्षा के साथ साथ, तकनीकी शिक्षा के साथ साथ एक व्यावहारिक शिक्षा के पर भी जोर दे, बहुत संभावनाएं हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस दिशा में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। एक नई होश और एक नई तेज के साथ आज आगे बढ़ने की आवश्यकता है और मैं चाहूंगा ये महाविद्यालय गाजीपुर, पीजी कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में विगत 75 वर्ष से अधिक समय से जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, आज हमें हर जनपद में निजी क्षेत्र में भी हमने विश्वविद्यालयों की एक एक्ट के साथ जोड़ने का कार्य किया है, काफी उसमें परिवर्तन किया है। हमें उस दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। बड़ी संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की और उस कार्यक्रम को अगर हम आगे बढ़ा सकेंगे तो निश्चित ही हर जनपद में दुनिया के अंदर सक्षम नौजवानों की टीम देने के लिए हम लोग कार्य कर पाएंगे। आज जब यहां पर बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी की भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और वह भी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, यह हम सब के लिए गौरवशाली क्षण है। मैं एक बार फिर से बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी को उनकी शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और महाविद्यालय परिवार को, उस महापुरुष को यहां पर स्थापित करने और एक प्रेरणा केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। आपके आगमन से गरिमा की उपस्थिति